I am you. तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? और मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। तो गाइस, अब चोर जो में उतरते हैं और सामने दो बंदे दूसरे वाले उस पर उतर रहे हैं शेल्टर्स पे, और एक बंदा पीछे शेल्टर पे उतर रहा है। तो उतरते ही सबसे पहले मेरे को मिलती है S12K गन। तो इससे एक दो बंदे को खाने की कोशिश करते हैं लेकिन खा नहीं पाते। तो मेरे टीममेट को DP मिल गई थी, तो भाई वो बंदे खाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो बंदों को नॉक कर रहा था, मैं बंदों को खा रहा था। भाई ये करा करो, ऐसा मत करा करो। अगर पहले गन ना मिले ना, तो मैं पहले अपने आसपास का एरिया साफ़ करो, क्योंकि तुम यहाँ पर उतरे हो और यहाँ ना शेल्टर के अंदर, मतलब नीचे इसके शेल्टर जो है, शेल्टर के जो गेट खुले होते हैं उसमें बहुत कम गन मिलते हैं, बहुत कम चांसेस हैं गन मिलने के। तो सिंपल है, तुम्हें ऊपर ज़्यादा गन मिलेंगी, लेकिन कभी कभी ऊपर भी नहीं मिलती, नीचे मिलती हैं। तो सबसे पहले तुम अपने आसपास के जो एक दो लौंडे घूम रहे हैं उनको निपटाओ, और फिर जाके ऊपर चढ़ो, ताकि तुम्हारे आसपास का एरिया खाली हो, तो तुम्हें कोई नॉक करने वाला फिर मारने वाला ना बंदा मिले। तो यहाँ पर एक बॉट महाराज जी आते हैं, फटाफट उनको मार के अपना KD इंक्रीज़ करते हैं, और देखिए कब तबाही मचने वाली है इस मैच में। तो भाई यहाँ एक वेयर हाउस में से अलग ही सस्ते नशे फूक कर बंदा ऐसे भाग कर निकला, मैं कि चलो इसको मारते हैं साले को, तो इसको मैं पूरा नॉक कर देता हूँ, चलते हैं इसे खाने। कोशिश करो आपकी यहाँ पर आने उतरने के बाद कोशिश करो कि कम से कम गोली वेस्ट करें, जिससे अगर आपके पास एक ही गन है तो आने वाले अगर आपको स्क्वाड रश कर रही है तो आप उसे मार पाएँ, वो वेस्ट ना करें। आप अगर एक ही गन है आप पे तो उसको पंच से आप मार सकें। तो यहाँ पर बॉटर की लड़ाई हो रही थी, तो उनको मार मूर के चलते हैं उनकी लूट लेने, क्योंकि भाई आसपास तो बंदे काफ़ी उतरे थे और साला था कुछ नहीं लूटने लायक। तो चलते हैं उन बोटों को लूटने। तो ये अकेला बंदा यहाँ घूम रहा था, इसको मैं उसको टीपी भी ले रहा था उन बंदों के ऊपर, कि सामने दो बंदे और थे तो उनके ऊपर टीपी ले रहा था, टीपी भी ले रहा था, तो मैं यहाँ आकर इसको खा जाता हूँ पूरा। तो दो बंदे पीछे भी, अभी उनको भी मारेंगे, चलिए देखेगा इस कैसे उनको मारेंगे। गाइस सबसे पहले आप उनकी लोकेशन देखो, अगर आपको पता नहीं है कि वो बंदे है कहाँ, तो कभी भी TPP लेके एकदम बाहर खुले में मत जाओ, क्योंकि वो बंदा कहीं पे भी TPP ले सकता है। सामने एक बॉट महाराज जी आ गए थे, मैं सोचता हूँ चल साले को मारूंगा, लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो बंदे थे उन्होंने उसको मार दिया था। तो गाइस यहाँ आ जाते हैं फिर हम पीछे की वेयर हाउस की तरफ, पीछे से उन्हें रश करने, क्योंकि मेरे को लोकेशन पता चल गई थी कि साले है कहाँ, उधर कोने में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने उस बॉट को मारा, मैं समझ गया कि बंदे कहाँ पर हैं। तो मैं इधर कोने की तरफ आ जाता हूँ और वो थोड़ा आगे की तरफ चले जाते हैं कंटेनर्स के ऊपर, तो देखिए उन्हें कैसे खाते हैं। ठीक है, एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ, अभी एक इसका बंदा रह जाता है, एक को मेरा टीम में नॉक कर देगा, इसको मैं पूरा खा जाता हूँ। भाई सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, जब भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो कोशिश करो बंदों को पूरा पूरा खाने की, क्योंकि ये साले रिवाइव करके फिर आके तुम्हें ही मारेंगे। सामने उन्हीं जो मैंने अभी दो बंदे मारे, उन्हीं का एक बंदा आके मेरे पर हम पे रश करने की कोशिश करता है, लेकिन देखिए आप कैसे मारेंगे उसे। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो बंदा कोने में बैठ के टीवी भी ले रहा है, तो भाई कैंपिंग कर रहा है एक तरह से। भाई कैंपर्स को मारने का सबसे सही तरीका है मॉली, अगर आप पे मॉली नहीं है या आप मॉली वेस्ट करना नहीं चाहते, सबसे सही ग्रेनेड, मॉली, कोई भी ऐसा चीज़ फेंके जिससे वो थोड़ा अपनी लोकेशन चेंज करे,
और फिर जैसी वो लोकेशन चेंज करे तुरंत रश मार दो। पूछेंगे मैं एक फ्लेयर मंगाई थी तो चलते हैं फ्लेयर की तरफ। और यहाँ बंदे कुछ बंदे देखते हैं, तो देखिए गाइस उन्हें कैसे मारते हैं हम। मेरे टीममेट ने नॉक करा तो चलते हैं रश करने फिर गाइस। हाँ अभी देखना, एक बंदा ऊपर से कैसे डीपी चला रहा है और उस पर साले पे मैं मरा नहीं भाई, मतलब क्या होगा इनका। और यहाँ मेरे साथ स्कैम हो जाता है। मेरे को लगता है कि भाई अकेला बंदा बचा है, लेकिन भाई ये दोनों ऐसे बैठे हुए थे। और मेरे टीममेट के साथ भी स्कैम होता है, उसको भी साले को दिखता नहीं कि बंदा है कहाँ। फिर एकदम अचानक से एक क्राउच करके आता है भागा भागा, कि भाई ये बंदा ग्रेटा है। तो गाइस इनको लूट लाट वगैरह लेके हम आते हैं यहाँ मिलिट्री की तरफ। प्लेयर चली तो हम सोचते हैं कि मिलिट्री तो अब जाना बेकार है क्योंकि जोन बना नहीं है। तो ब्रिज पे आएंगे वो बंदे, ब्रिज कैंप करने की सोचते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं। यहाँ से जा ही रहे थे तो मैं देखा कि मिल्टा पे प्लेयर चली है, तो हम वापस आ गए। तो मिल्टा पे अब इन बंदों को खाते हैं। देखिएगा इसकी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई मैंने यहाँ उन बंदों को खाने के लिए। बस थोड़ी गाड़ी पहले खड़ी कर दी ताकि उन्हें पता ना चले कि हम आ गए, उन्हें सेम पता नहीं चलता कि कोई आया भी है। हम पीछे से जाकर चुपचाप जाकर उनको मारना शुरू करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि भाई उनके साथ स्कैम हो गया। कैसे यहाँ मेरे को समझ में नहीं आया कि बंदा लेट कर क्या रहा था, क्या चाह रहा था भाई ये बंदा। मैं इसको पूरा खा जाता हूँ, लेकिन भाई ये लेट कर क्या रहा था मेरे को भाई कमेंट में बताओ कि ये बंदा लेट कर क्या रहा था। तो फिर उसमें दो बंदे हैं, मेरे को पता, एक ये पीछे भाग गया। पीछे से भाग के दोनों तीनों अपने टीममेट को बोलता है कि भाई तू गाड़ी लेकर आ, क्योंकि हमें जोन में भी भागना था, जोन भी बनने वाला था। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तो भाई तू गाड़ी लेकर आ। तो वो गाड़ी लेने जाता है तो पीछे उस सामने से गोली पड़ने लगती है उस पर। तो उस बंदे को खाते हैं अच्छे से, पहले बंदे को पूरा खा जाओ उसका। मैंने जैसे कि बताया एक शॉट मैंने ओम का दिया, साला मरा ही नहीं, पता नहीं क्या था, हेडशॉट नहीं लगा होगा। तो मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ और मैं पूरा खा जाता हूँ उसे, पूरा खा लिया। अब इसके दो बंदे बचे, दो मैंने पूरे पूरे खा लिए, दो बंदे बचे। अब दो बंदे देखना गाइस कैसे मारता हूँ उन्हें भाई। इनके साथ तकड़ा वाला स्कैम हो गया था कसम से। सोचते रह गए होंगे भाई क्या हुआ, अकेले दो बंदे आकर हमें इतनी बुरी तरीके से खा सकते हैं, खा जाएंगे। इसके एमओ मेरे साथ तो यहाँ पर बंदा टीममेट गाड़ी लेकर तैयार था कि भाई एकदम जोन में चलेंगे फटाफट। तो यहाँ जोन में आते हैं हम, तो यहाँ गाड़ी वगैरह बदलने के बाद यहाँ इस तकड़ेबाजी गुटबाजी हो रही थी। दो स्क्वाड थी, दो स्क्वाड में आपस में गुटबाजी हो रही थी। तो यहाँ एक स्क्वाड के साथ तो स्कैम ही हो जाता है भाई तकड़े वाला, इनके साथ तो होता ही होता है, मेरे साथ भी स्कैम होता है। मैंने एक को नॉक करा लेकिन अंदर से ये भाग कर आ गया, और यहाँ तो मैं जैसे जैसे बच ही गया भाई, तकड़ा वाला स्कैम हो गया था यहाँ तो मेरे साथ। तो अभी भी घर के अंदर दो बंदे और हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई उन्हें मारना बेकार है, अपना फटाफट हेल्थ बढ़ाओ और जोन में चलो। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की उन्हें मारने की, मैंने कोशिश करी थोड़ी सी उन्हें मारने की कि मैं उन्हें मार पाऊँ, लेकिन भाई नहीं, जोन खा जाता। लेकिन किस्मत है ख़राब, जोन में घुसते ही एक स्क्वाड, हम एक स्क्वाड पर रश करना चाहते हैं लेकिन भाई स्कैम हो जाता है हमारे साथ ही बहुत गंदे वाला।
यार देखिए यहाँ मैं ऐसे उतरा, मेरे को ऊपर आवाज़ आ रही, साउंड आ रही थी कि दो बंदे ऊपर हैं भाई। ये बंदा मेरे को लगा कि ये इस ग्रिल पर है आगे की तरफ, मेरे को ये नहीं पता था कि स्टेयर्स पे है, और स्टेयर्स पे एकदम चढ़कर आके मेरे को पूरा खा गया, और इसकी भी हेल्थ कम कर दी काफ़ी मेरे टीममेट की। मेरा टीममेट सोचता है कि मैं भाई पहले लेट कर आराम से हेल्थ बढ़ाऊं, लेकिन भाई ये बंदा ग्रेट था वैसे जो भी था ये। तो सेकेंड आते गए, इस तरह से हम मर जाते हैं। बस कोशिश करते तो चिकन डिनर कर सकते थे, लेकिन भाई किस्मत पे लिखा नहीं था चिकन डिनर, हमारे साथ इतना गंदा स्कैम हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय। अभी नहीं, अभी गाइस मैंने एक सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच खेल रहा था, तो उसमें मेंशन के पास एक बहुत ही तगड़ा वाला स्कैम हुआ था एनिमी हमारे साथ। तो गाइस वो देखे बिना कहीं मत जाना। तो देखिए।